तो हेलो नागपुरकर, आज के इस नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोतीबाग के रेलवे क्वार्टर के परिसर में, जहाँ पर मोतीबाग के राजा विराजमान होते हैं। और हर साल गणपति सेना उत्सव मंडल द्वारा यहाँ पर अद्भुत थीम का डेकोरेशन किया जाता है। और हर साल यहाँ पर जो है आकाशगंगा केंद्र बना रहता है। पिछले साल बापू कोटी आकाशगंगा केंद्र था, इस साल मंडल को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इस साल क्या थीम होने वाला है और क्या आकाशगंगा केंद्र होने वाला है, मंडल के जो अध्यक्ष है और जो सचिव है उनसे हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे पास मंडल के सभी लोग हैं, तो सबसे पहले जो है उनका नाम जान लेते हैं। तो सर, आपका नाम बता दीजिए, और हमारे साथ जो है अध्यक्ष भी और सचिव भी है ना, तो उनका जो है हम नाम जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं दीपंकर पाल, गणपति सेना उत्सव मंडल मोतीबाग नागपुर। मैं अशोक जी एन पटनायक, यहाँ का सचिव हूँ गणपति सेना उत्सव मंडल का। सर, हमारे जो ऑडियंस है वो जो अभी इस साल जो कौन सी थीम होने वाली और कौन सा आकर्षण का केंद्र होने वाला है वो जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी अपने देश के गौरव की बात है कि अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, तो हम भी उसकी रेप्लिका बना रहे हैं चंद्रयान 3 का, और वही हमारा आकर्षण का केंद्र है। गते 50 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इस साल हमारा 50वां साल है। तो हम हर साल कुछ ना कुछ नया यही जगह पर बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया हर साल कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। जिस तरह के संसद भवन बनाया है, लोटस टेम्पल बनाया है, जंतर मंतर बनाया है, मेट्रो बनाया है, दक्षिणेश्वर टेम्पल भी बनाया है, मतलब बहुत सारे प्रकृतियाँ बनाए हैं हम लोगों ने। हम लोग और हमारा ये जो उत्सव है इस कॉलोनी में, सभी धर्म के लोग मिलके इसको, यानी कोई किसी का मन मोटाव ही नहीं कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ, मैं उस धर्म का, सारे लोग एक साथ होके एकजुट होके 10 दिन जो उत्सव यहाँ मनाते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है यहाँ पे, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, ट्री प्लांटेशन काम होता है, पर्यावरण के बारे में सब लोगों को हम आकर्षित करते हैं इसी पूजा के द्वारा। सर, हमारे जो ऑडियंस है अगर उनको यहाँ पर आना है तो कैसे आ पाएंगे, मतलब एड्रेस बताइए ताकि वो जो यहाँ पर आ सके और गणपति बापा जी का जो है दर्शन कर पाए। जैसे गूगल मैप के द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, तो गूगल मैप के द्वारा उसमें सब इंडिया और जगह जगह हम लोग से के बैनर लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा। जैसे कड़वी चौक में हो गया, बेली शॉप में हो गया, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, पुल का काम चल रहा है, तो उस द्वारा भी लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर एकदम कड़वी चौक मेट्रो स्टेशन मेन है, कड़वी चौक मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, अगर लोग गूगल मैप में है ना, गूगल मैप के द्वारा। तो आपको जो है गूगल मैप का जो लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कड़वी चौक मेट्रो स्टेशन, कड़वी चौक मेट्रो स्टेशन है ना, तो आसान से आप। हाँ, मोतीबाग रेलवे कॉलोनी कला मंदिर के पास। कला मंदिर के पास। सर, दोस्तों हमारे साथ और भी सदस्य है यहाँ पर, तो उनसे भी जो हम जान लेते हैं। तो भैया, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम प्रतीक हरडे है। मेरा नाम राज गुगुस्कर। तो भैया, मेरे को ये बताइए कि जो पंडाल की हाइट कितनी होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साल जो हम लोग चंद्रयान बना रहे हैं उसकी एक हाइट हमारी 50 फीट के आसपास जा रही है। जैसा कि हम लोग का इस साल 50वां साल है, तो हम लोग ने हाइट 50 फीट की तय की है इस बार। तो मूर्ति का जो आगमन है, बापा की मूर्ति का आगमन कब होने वाला है और टाइमिंग क्या होने वाला है? वो 18 तारीख होगा, और उसका जो आगमन है वो कड़वी चौक है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और इसकी जो मूर्तिकार है वो बुट्टी बोरी से बन रही है। अच्छा। और ये पंडाल बना कौन रहा है? ये पंडाल कलकत्ता के कारीगर है, वो लोग बना रहे हैं। तो सर, यहाँ पर प्रोग्राम कौन कौन से एक्टिविटीज़ प्रोग्राम जो होंगे? एक्टिविटीज़ प्रोग्राम की बात करी जाए तो हम लोग हर साल एक्टिविटीज़ करते हैं और कल्चर प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे कि कल्चर प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स डांस कंपटीशन होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, एक दिन लेडीज़ के लिए भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे कॉलोनी के बच्चे होते हैं 10th 12th के जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोग को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम एक्टिविटीज़ है, इसमें जो ऑडियंस हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उनके लिए भी हम लोग इस बार कुछ नया लाने वाले हैं, ओपन डांस कॉम्पिटिशन। तो ऑडियंस में अगर किसी को हिस्सा लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा पे भी पेज है गणपति सेना उत्सव मंडल, उसमें हमारी सारी डिटेल्स हम लोग शेयर करते हैं और करते रहेंगे डेली, तो उसके रिगार्डिंग आप हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो
इस चंद्रयान 3 के थीम के बारे में सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुका हूँ भैया अभी से ही। तो जैसे ही भाई रेडी हो जाएंगे और आप भी जो भाई बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए होंगे, तो कमेंट में जरूर से बताया कि आपको कैसा लगा ये थीम के बारे में सोच के और सुन के। तो जब भी जो है ये चंद्रयान 3 डेकोरेशन जो जब भी पूरा होगा तो यहाँ पर भैया हम पहुँचेंगे और इस चंद्रयान 3 को पूरा कवर करेंगे और आपके साथ जो है भाई शेयर करेंगे और लाइव दर्शन भी कराएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को चंद्रयान 3 के बारे में पता चल जाए और सभी लोग जो है भैया यहाँ पर आ पाए और गणपति बाप्पा जी के जो है दर्शन कर पाए। दोस्तों इस साल जो है हम गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक के पूरा कंटिन्यू जो है वीडियो लाने वाले हैं। पूरा नागपुर के गणपति बाप्पा जी को जो है हम कवर करने वाले हैं और एक दिन में 2-3 वीडियो जो है भाई गणपति बाप्पा जी के आते ही रहेंगे अपने चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।